नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि MIT App Inventor में हम कैसे कोई वीडियो को इंसर्ट करें। तो MIT App Inventor में वीडियो को इंसर्ट करना बहुत ही इजी है और मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम किसी वीडियो को MIT App Inventor में डाल सकते हैं और उसकी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें MIT App Inventor लिखना है। देखिए, मेरा MIT App Inventor खुल गया है, तो मैं क्रिएट ऐप पे जाऊंगा और क्रिएट ऐप पे जाकर के मैं अपनी गूगल ID से लॉगिन कर लूँगा। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आप जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम मैं डाल देता हूँ वीडियो ऐप। तो देखिए, मेरा ये वीडियो ऐप खुल गया है, एक स्क्रीन खुल गई है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये पैलेट सेक्शन है, ये व्यूवर सेक्शन है, और जो भी कंपोनेंट आप लेंगे उस कंपोनेंट का यहाँ पे आपको दिखेगा और उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिलेगी। तो अभी सिर्फ एक स्क्रीन कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे दिख रही है। और अब मैं आपको वीडियो ऐप बनाना सिखाऊंगा। तो आप MIT App Inventor में एक वीडियो को इंसर्ट करके उसको प्ले कैसे कराना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले लेआउट पर जाएंगे और लेआउट पर जाने के बाद हम वर्टिकल अरेंजमेंट पे क्लिक करेंगे। इसको मैं विड्थ को फुल पैरेंट करूँगा और हाइट को भी फुल पैरेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लूँगा और नीचे लगा देता हूँ। इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को भी मैं विड्थ को फुल पैरेंट कर दूँगा और इसमें यूज़र इंटरफेस में मैं एक बटन डालूंगा, स्टार्ट बटन, एक स्टॉप बटन, और इनके बीच में गैप करने के लिए मैं एक लेबल डाल देता हूँ। और टेक्स्ट बटन के ऊपर मैं पहले लिखूंगा स्टार्ट और इस पे मैं लिखूंगा स्टॉप। और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसके विड्थ को मैं कर देता हूँ फुल पैरेंट। तो ये मेरा बन गया है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ और इनके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने कलर चेंज कर दिया है, यहाँ पे ये बोल्ड हो गया। और अब मुझे यहाँ पे एक वीडियो डालना है। तो सबसे पहले मैं एक लेआउट पे जाऊँगा, मीडिया पे जाऊँगा और वीडियो प्लेयर को इंसर्ट करूँगा। अब इस वीडियो प्लेयर की प्रॉपर्टी विड्थ को भी सेट करूँगा, ये मैं फिल पैरेंट कर देता हूँ, और हाइट को जो है मैं परसेंटेज में 30% कर देता हूँ, 45% कर देता हूँ। तो ये मेरा एक स्क्रीन बन गया है और ये स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया है। तो अब मैं मीडिया को अपलोड करूँगा। तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो मैंने ये वीडियो को अपलोड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो अपलोड होने में। आप देखिए, यहाँ पे लिख रहा है अपलोडिंग द वीडियो वन ऐप डॉट MP4 टू द ऐप इन्वेंटर सर्वर। ये MIT App Inventor के सर्वर पे जा रहा है ये वीडियो, थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मेरा मीडिया अपलोड हो गया है। तो यहाँ दिखने लगेगा एंड्रॉयड एड्रीनो 1 ऐप, जो भी मीडिया का नाम था वो यहाँ दिखने लगेगा। ठीक है, अब आप सोर्स पे जा कर के यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब आप ब्लॉक सेक्शन पे जाएंगे और ब्लॉक सेक्शन पे जाके बटन 1 को क्लिक करेंगे, यानी बटन 1 इज क्लिक। तो जब बटन 1 क्लिक होगा तो क्या होगा, बटन 1 जब भी क्लिक होगा वीडियो प्लेयर में क्या होगा, स्टार्ट। तो यहाँ देखें वीडियो ऑन स्टार्ट। ठीक है, तो जो भी वीडियो होगा आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। और बटन 2 जब आएंगे, बटन 2 जब प्रेस करेंगे तो वीडियो प्लेयर स्टॉप। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया है
अब इसका हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप कनेक्ट पर जाएंगे और एआई कंपेनियन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मेरा ये चालू हो गया है। अब मैं स्टार्ट करूँगा, देखिए वीडियो चालू हो गई है। स्टॉप करूँगा, ये स्टॉप हो गया। स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट हो गया। और ये स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कैसे MIT App Inventor के वीडियो को हम एक वीडियो प्लेयर बना सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप मुझे मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मुझे नई नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद।